life every day. Hey everyone, welcome back to my channel. This is Aishu Ranjana. I hope you all are doing great. So today I want to share with you a Dot & Key product, that is Red Clay Mask, जो कि बहुत ही अच्छा clay mask है. If you are interested, then go and subscribe my channel. Without any further delay, let's start with the video. ये है Dot & Key का Vitamin C Pink Clay Mask, जो कि इसकी outer packaging कुछ इस type की है. ये pink cardboard में आता है और इसकी काफी attractive सी packaging है. और इसके बैक साइड में सारे इंग्रेडिएंट मेंशन है और इस साइड इसमें मेंशन है कि ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, डायरेक्शन क्या है और ये आपको कैसे अपने फेस पे अप्लाई करना है या इसे अप्लाई करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारे चीज़ें इधर मेंशन होती है. और फ्रंट में सिर्फ नाम मेंशन होता है और कितने ग्राम प्रोडक्ट है ये मेंशन होता है. तो लाइक आप एक तरीके से कह सकते हो इसके कार्डबोर्ड में सारी डिटेल मेंशन होती है. और इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी 85 ग्राम है जिसका प्राइस 695 रुपीज़ है. बट कभी ना कभी ये डॉट इन की ऐसे ऑफर निकालते रहते हैं लाइक फ्लैट 30% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री. तो मैंने ये प्रोडक्ट बाय वन गेट वन फ्री से लिया है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो फ्लैट 50% का मुझे डिस्काउंट मिला है. और ये क्ले मास्क लगभग मैं 3 से 4 बार अप्लाई की हूँ, मुझे ये काफ़ी पसंद आया. लाइक मैं आपसे ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी कि ये क्ले मास्क कितना ज़्यादा अच्छा है या इसमें क्या प्लस पॉइंट है. ऐसे तो मुझे माइनस पॉइंट कुछ भी नज़र नहीं आया क्योंकि मुझे ये क्ले मास्क काफ़ी अच्छा लगा. और इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, ये क्यूट सा ग्लास जार में आता है. थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये ग्लास जार का है, तो अगर ये बहुत चांसेस है कि अगर ये गिर गया तो बहुत इजीली टूट जाएगा, इसलिए आपको बहुत केयर करना पड़ेगा जब आप इसे अप्लाई कर रहे हो तो. और ये क्यूट सा ऐसा इसके वाइट कलर का ढक्कन होता है, जब आप इसे ओपन करोगे तो ये प्रोडक्ट वेस्ट ना हो इसलिए एक लिड लगाया हुआ होता है. और ये रहा रेड क्ले मास्क जो कि थिक रेड में है. और आप देख सकते हो अगर आप ऐसे करोगे तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं गिरेगा क्योंकि ये बहुत थिक क्वांटिटी में है और बहुत लाइट सा फ्रेग्रेंस है. और ये क्ले मास्क नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, हर एक स्किन टाइप के लोग लगा सकते हो. और लाइक मेरे हिसाब से ये ऐसा क्ले मास्क है लाइक आपको कभी ऐसा होता है कि आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, आपके ब्लैक हेड्स आ गए हैं या डार्क स्पॉट्स आ गए हैं, तो लाइक आपको इंस्टेंट कुछ नज़र नहीं आ रहा, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकते, तो आप अपने फेस को किसी भी नॉर्मल फेस वॉश से वॉश कर लो, उसके बाद आप ये क्ले मास्क लगा लो, लाइक आपको इंस्टेंट ग्लो आ जाता है. तो मुझे ये क्ले मास्क लाइक इसीलिए काफ़ी पसंद आया कि ये बहुत नेचुरल सा और बहुत इंस्टेंट ग्लो देता है. और इसमें ऐसा मेंशन भी है कि ये विटामिन सी पिंक क्ले मास्क है, तो सबको पता है विटामिन सी हमारे स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, जो भी डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है उसे ये ठीक करता है. डॉट इन की रेंज में बहुत सारे लाइक क्ले मास्क है, बट मुझे जितना ये पसंद आया उतना लाइक मुझे अच्छा और कोई क्ले मास्क नहीं लगा, क्योंकि मुझे ये काफ़ी ऐसा लगा कि आपकी स्किन पे लाइक इंस्टेंट इफेक्ट देता है. आपको जब आप इसे लगाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ इसके लगाने के बाद आपकी स्किन पे जो भी डलनेस, जो भी डार्क स्पॉट्स थे या जो भी पिगमेंटेशन था वो बहुत अच्छे से क्लीन होके एक ब्राइटन अप स्किन देता है. ये जो क्ले मास्क है वो पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और 100% सेफ एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. तो इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि इसमें केमिकल्स है, अल्कोहल है, बिल्कुल नहीं. ये बिल्कुल लाइक सेफ है, इसमें बहुत हार्श केमिकल नहीं है, बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है. तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, तो मैं आपको ये क्ले मास्क अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ कि ये मेरे फेस पे कैसे वर्क करता है.
सकते हैं कि कितना नेचुरल और कितना इंस्टेंट सा आपके स्किन पे ग्लो देता है। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि जब आप इसे क्ले मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो इसको 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना। उसके बाद नॉर्मल पानी से सर्कुलर मोशन में मसाज करके इसे अपने फेस को वॉश करना है, तो आपको बहुत नेचुरल एक बहुत अच्छा सा ग्लो मिल जाता है। तो और जब आप इसे लगाते हो, आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है या कोई भी सीरम है, आप इंस्टेंट अप्लाई कर लो ताकि आपके फेस बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहे। और एक चीज़ और, इसमें अगर आप ये क्ले फेस मास्क लगा रहे हो तो आपके मॉइस्चराइजर लेवल को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे एकदम ड्राई सा हो गया, क्योंकि सूखने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। आपको बोलने में भी ऐसा नॉर्मल फील नहीं होगा, इतना ज़्यादा ये टाइट हो जाता है। बट आपके मॉइस्चराइजर लेवल को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता। तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ, मुझे ये क्ले मास्क काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मेरे फेस पे बहुत अच्छे से वर्क किया, तो मैं इसे तो कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।